बचपन से हमारे बड़े हमें सिखाते आए हैं, दिखाते आए हैं कि हमें चैरिटी करनी चाहिए, दान करना चाहिए, ज़कात निकालनी चाहिए, सबका करना चाहिए, पुण्य का काम है, सवाब का काम है। अब एक ऐसा मुद्दा है जिस पे किसी बहस की ज़रूरत ही नहीं, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना इससे अच्छा काम ज़िंदगी में हो ही क्या सकता है। लेकिन कभी कभी ना किसी की मदद करते दौरान हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे हमारी इंटेंशन, जिससे हमारी नीयत, जिससे जो मदद की रोशनी है, उसकी जो चमक है ना, वो थोड़ी सी कम पड़ जाती है। इसलिए आज आई एम गोना टेल यू दोस फाइव थिंग्स जो हमें नहीं करनी चाहिए जब हम किसी की मदद कर रहे हैं। डू नॉट डू दीज फाइव थिंग्स इफ यू आर हेल्पिंग समबडी। Do not help somebody in such a way that they become your dependence. कोई आप पे निर्भर हो जाए, ये मदद करने का तरीका नहीं है। आसान है किसी के एक महीने का खर्चा दे देना, लेकिन अगर उस घर में कोई कमाता नहीं है, किसी के पास जॉब नहीं, तो अगले महीने क्या होगा? शायद अगर आप मदद करते उसकी जॉब दिलाने में, तो वो असली मदद होती। यू नो, आपसे किसी ने बोला कि उसे एक साधारण सा फोन चाहिए और आपने अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, 10,000 का स्मार्टफोन दे दिया, मगर ये नहीं सोचा कि उसका मोबाइल का बिल सिर्फ उसकी वजह से कितना बढ़ जाएगा। सो प्लीज़, किसी की ऐसी मदद नहीं करनी चाहिए जिससे वो आप पर ही निर्भर हो जाए, आपके डिपेंडेंट हो जाए। डू नॉट हेल्प somebody इन सच अ manner दैट यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। याद रखिए कि वो एक जरूरतमंद है। आप उनकी मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंसानियत के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, इसलिए भी कि हम उनसे बेटर पोजीशन में हैं, इसलिए हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी मदद किस हद तक करेंगे, किस लेवल तक करेंगे, ताकि आप उस पॉइंट पे ना आए कि आपको लगे कि आपकी मदद के बदले में उसको ये करना चाहिए। क्योंकि अगर वो हुआ, अगर आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस आएं, तो फिर वो मदद कम और सौदा ज़्यादा होगा। Do not brag about the fact that you helped somebody. कहते हैं किसी की मदद इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि जिस हाथ से हम मदद करते हैं तो दूसरे हाथ तक को पता न चले कि हमने उसकी मदद की। हमने उसकी मदद की, उसके लिए ये किया, वो बेचारा था। Not at all. अपनी ही तारीफ करने से वो जो मदद की खूबसूरती है उसका लेवल काफ़ी गिर जाता है। अच्छा काम है तो सामने तो आएगा ही, लेकिन हाँ, पेशेंस की ज़रूरत है। अब अपनी तारीफ करने से ये तो नहीं कहूँगी मैं कि सारी मदद पे पानी फिर जाता है, लेकिन हाँ, उसकी गरिमा, उसकी खूबसूरती थोड़ी कम तो हो जाती है। ये सच है कि हम इंसानियत के नाते किसी की मदद करते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से सोचें, बहुत ऑनेस्टली सोचें, तो हम किसी और की मदद भी खुद के लिए करते हैं। वो जो अच्छा होने की फीलिंग होती है ना, वो जो हम शीशे के सामने बिल्कुल तने हुए खड़े होते हैं, ऐसा लगता है हमने खुद गर्व ज़िंदगी नहीं बिताई, ये जो एहसास होता है, ये जो फीलिंग होती है, ये इतनी प्रेशस होती है कि हम इसे महसूस करना चाहते हैं। तो डू नॉट थिंक दैट व्हेन यू आर हेल्पिंग समबडी यू आर ओनली हेल्पिंग दैट पर्सन। समवेयर वी आर एक्चुअली हेल्पिंग आवरसेल्व्स। मेरे बहुत सारे लोगों को ये बात कहते सुनी है कि यार, हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हम किसी की मदद कैसे कर सकते हैं। अरे, डू नॉट थिंक कि यू कैन हेल्प समबडी ओनली विद मनी। नो, नॉट एट ऑल। कुछ मदद इतनी खूबसूरत होती है जिसमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होती। बैठ के किसी के दिल की बात सुन ली, या फिर you know, किसी बुजुर्ग से उनका हाल चाल पूछ लिया, किसी के पास बस यूँ ही बैठ गए, किसी की मुस्कुराहट की वजह बन गई। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो इस बार जीना इसी का नाम है।